नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज हम अपने ब्लॉग में जिस टॉपिक के बारे में बात करने चल रहे हैं वो है डॉक्टर फिक्सिट का फास्ट फ्लैक्स। दोस्तों, आप घर कैसा भी बनवा लीजिए, जितना छोटा जितना बड़ा कुछ भी बनवा लीजिए, सीलन की प्रॉब्लम इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पाता लोगों को। लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी बेस में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लगा लेते हैं, जैसे हल्का सा पॉलीमर लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, तो जिससे कि तुरंत तो उनका सोल्यूशन हो जाता है बट लॉन्ग टाइम के लिए आपका वाटरप्रूफिंग नहीं हो पाती है। दोस्तों, सीलन एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर में होती है। कई कई बार ऐसे भी लोग मेरे पास आए हैं या हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई ऐसा परमानेंट इलाज बताइए कि जिससे कि हम अपने घर के सीलन को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने चल रहे हैं वो है डॉक्टर फिक्सिट कंपनी का फास्ट फ्लैक्स। दोस्तों, ये अभी तक का बहुत ही सक्सेस और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो वाटरप्रूफिंग के लिए, जो आपके सीलन को ख़त्म करेगा। बट इसकी एक तरीका है लगाने का, इसको किस तरीके से लगाते हैं, क्या करना है, इसके बारे में आज हम अपने ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा दिन तक चलता है और बाकी जितने भी वाटरप्रूफिंग कंपाउंड होते हैं उससे ये बहुत अच्छी कवरिंग देता है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत गजब की होती है। फ्लेक्सिबल नॉर्मल वाटरप्रूफिंग के मुकाबले ये 12 गुना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, ये जो इसकी जो पकड़ होती है दीवारों पर, जो इसकी पकड़ होती है इतनी मजबूत होती है कि कई बार इसको लगाने के बाद प्लास्टर से जब हम लोग उखाड़ते भी हैं ना, इतनी जल्दी से वो नहीं उखड़ता है प्लास्टर, और इसका जो फिल्म बनी होती है आसानी से हवा क्रॉस कर सकता है। ऐसा नहीं कि जब इसको लगा देने के बाद और वो पूरी तरीके से दीवार में हवा पास ही नहीं होगी और आगे चल के क्रैक हो, ऐसा नहीं। ये आसानी से हवा को आसपास आर पार होने देता है दीवारों का। वाटरप्रूफिंग के लिए बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है दोस्तों। ये एक अंडर कोटिंग प्रोडक्ट है। अंडर कोटिंग का मतलब होता है इसको लगाने के बाद इसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमें प्लास्टर लगाना है, हमें टाइल्स लगाना है, हमें इसके ऊपर चाइना मोज़ेक टाइल लगानी है, कुछ भी मतलब इसके ऊपर लगना है, डायरेक्ट इसको लगा के छोड़ नहीं देना है। जैसे कि एक वाटरप्रूफिंग होती है कि अपना हमने पेंट लगाने से पहले कोटिंग करी फिर इसका पेंट कर दिया, ऐसा नहीं। इसको लगाने के लिए अगर हमारे दीवारों में सीलन है तो दीवारों का हम प्लास्टर हटाएंगे, अगर हमारे पास 4 फीट तक की सीलन आ रही है तो हम 5 फीट का अपना प्लास्टर हटाएंगे, उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान है कि फास्ट फ्लैक्स जो है, फास्ट फ्लैक्स वो अपना अंडर कोटिंग कंपाउंड है। इसको अंदर के तरफ, मतलब अंदर के तरफ इसको लगाया जाता है। 2 कंपाउंड में आता है दोस्तों ये, इसमें लिक्विड और सीमेंट। जैसे अपना हमने कई वीडियो बनाया है 2K प्रोडक्ट जो आते हैं ना, डैमलॉक 2K और पीडिफिन 2K, सुपर 2K, नरलक का, इस तरह से कई उसी तरीके का ये प्रोडक्ट है। इसमें भी 2 कंपाउंड में प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। ये 12 किलो की एक पैकिंग आती है जिसमें कि दोनों प्रोडक्ट होते हैं। इसमें जो कि कहाँ कहाँ इसको हम लगा सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। ये अंदर की दीवारों पे, बाहर की दीवारों पे, दोनों जगह लगाया जा सकता है। छत की ज़मीनों में लगाया जा सकता है, छत की कोटिंग करी जा सकती है, पानी की टंकी। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको पानी की टंकियों में भी लगाया जा सकता है, जैसे कि हमारे पीने के पानी में भी कोई हमें हानिकारक तत्व इसमें नहीं मिलेंगे। स्विमिंग पूल में लगा सकते हैं इसको, और जकूजी जो बाथरूम बनता है बड़ा जिसमें लोग नहाते हैं और बहुत बबल वॉश वगैरह जो होता है उसमें लगा सकते हैं। बाथरूम के अंदर जब हम बाथरूम बनाते हैं पाइप की फिटिंग करने के बाद इसकी कोटिंग लगा सकते हैं। लगभग सभी जगह जहाँ पर हमें सीलन का रिसाव हो रहा हो या हमें पानी की जगह होती है वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये कवरेज के मामले में ये 1 किलो में 2 कोट पे लगभग 5 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, 5 से 6 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है, सरफेस बहुत रफ है तो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। ये इसकी एक 1.5 mm में, 1.5 mm में लगभग ये 5 से 6 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है, ये चीज़ आप समझ। दोस्तों, इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि
जिस दीवालों पे हमें लगाना है, अगर हमें दीवालों पे लगाना है अंदर के या बाहर के, या हमें छत पे लगाना है, तो पहले हमें उसकी सफाई कर लेनी है। अगर हमें छत पे लगाना है तो छत पे जो भी हमारे क्रैक्स वगैरह जो आ रहे हैं, उसको क्रैक्स को हमें URP मतलब पॉलीमर और सीमेंट के घोल में मिला के उसको अच्छे से रिपेयरिंग कर देना है। और दीवार पर अगर हम लोग लगा रहे हैं तो प्लास्टर आपको उखड़वाना है। प्लास्टर उखड़वाने के बाद आपको सबसे पहले उसकी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद उसको अच्छे से धुल देना है। धुल देने के बाद इसको फास्ट प्लस को दोनों केमिकल को अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद कुछ देर इसको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद जिसमें कि बबल्स वगैरह अच्छे निकल जाए। निकल जाने के बाद हम इसको पहला वर्टिकल कोट में लगाएंगे, और जब भी लगाएंगे तो जब हम ब्रश को उस डिब्बे में डिप करेंगे इस प्रोडक्ट में, तो एक बार घुमा के रंग घुमाएंगे, ब्रश लगाएंगे, घुमा डाला, डिप किया, मिक्स किया, फिर उसके बाद उसको पहले वर्टिकल लगाना है, फिर उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है। पहले से और दूसरे कोट में लगभग लगभग हमें 4 से 6 घंटे का समय देना ही है सूखने के लिए। दोस्तों जब अभी हम लोग जब इसको लगाते हैं, दूसरा कोट जब लगता है, तो दूसरे कोट में हमें जब कीले में ही इसके ऊपर कुछ रेती या बालू के टुकड़े मतलब बालू को फेंक देना है, जिससे कि थोड़ा इसमें खुरदुरापन बना रहे, क्योंकि हमें इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह करना है, अच्छे से वो पकड़ लेता है। तो जब ये अच्छे से जब सूख जाए तो इसको कम से कम 3 से 4 दिन छोड़ देना है उसी तरीके से। और कंपनी कायदे से इसको कहती है कि 7 दिन तक क्योरिंग करने के लिए। तो क्योर करने के लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप पुराने जो जूट के बोरे होते हैं इसके ऊपर डाल दीजिए, और डालने के बाद इसके ऊपर पानी डालिए, डायरेक्ट पानी इसके ऊपर नहीं जाना है। और जब सब कुछ अच्छे से हो जाए तब इसके बाद आप इस पर टेस्टिंग इसको कर लीजिए, पानी वगैरह डाल के देख लीजिए, उधर सीलन तो नहीं आ रहा है। 7 दिन के बाद ही आप इसकी टेस्टिंग करें। और जब टेस्टिंग अगर छत पे लगा रहे हैं तो चारों तरफ से सारी जितनी इसकी नालियाँ वगैरह हैं उसको बंद करने के बाद तब इसको आप इसकी टेस्टिंग करें, बट 7 दिन के बाद। इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा और सब कुछ परफेक्ट तरीके से रहे, तो इसके ऊपर टाइल्स या प्लास्टर जो भी आपको कर रहे हैं इसको करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये अंडरकोट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोटिंग करना ज़रूरी है। इसके ऊपर हमें प्लास्टर करना है या हमें टाइल लगाना है, जो भी करना है, कि इसकी जो हम प्रोटेक्शन कर रखे हैं दीवारों की, उससे ये बचा रहे हैं, इसकी लाइफ बची रहे। 12 किलो की जो ये पैकिंग आती है, जो पैक मार्केट में इजीली मिल रहा है इस समय, 12 किलो की पैक है, और जो इसकी MRP है 2045, मतलब 2045 रुपए की इसकी 12 किलो की पैकिंग है। 1 किलो की कवरिंग लगभग 5 से 6 स्क्वायर फीट आ रही है। दोस्तों ये ना अपने आप में एक प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप पूरी तरीके से अपने घर पे सीलन से परेशान हो चुके हैं तो उसमें ये बहुत कामगार होगा। बस यही है कि आपको प्लास्टर उखड़वा के लगाना है। प्लास्टर बहुत से लोग प्लास्टर तो उखड़वा लेते हैं, फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी ने URP लगा लिया, किसी ने पॉलीमर लगा लिया, किसी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया कि जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर उसके बाद प्लास्टर जब आपने तोड़वाया तो अब आपको लगा कि बस हमने वाटरप्रूफिंग करा दी है इस तरीके से लोकल प्रोडक्ट लगा के। बट अगर आप प्लास्टर उखड़वाने के बाद परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो उसके लिए फास्ट फ्लैक्स से बढ़िया कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है अभी तक, और ये बहुत सक्सेस रहा है। इसके कंपेयर में अभी एशियन का एक प्रोडक्ट आने वाला है, बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है, और अभी उसका भी रिव्यू करेंगे। बट ये अभी अपने आप में बेस्ट प्रोडक्ट है, आप लोग इसको यूज़ कीजिए। इसका जो प्रोडक्ट कोड है इस पर जिस तरह से लिखा हुआ है 113 इसका प्रोडक्ट कोड है, बिजली मार्केट में मिल रहा है, फास्ट फ्लैक के नाम से इजली जो भी डॉक्टर फिक्सिट का मटेरियल बेचते हैं उनके यहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में हम ये फास्ट फ्लैक के बारे में हमने बताया है, अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग यूज़ करिए। अगर आप वाकई सीलन को लेके बहुत पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं तो ये आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वाटरप्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट के लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके अपने घर पे जो कंपनी के इंजीनियर हैं और जो कंपनी के सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं उनको भी विजिट के लिए बुला सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आके आपको सही एडवाइस देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके घर के लिए परफेक्ट रहता है। तो आज दोस्तों अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है, मेरे ये इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको दे रहे हैं पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल खोला है जिसमें कि पेंट से रिलेटेड और बाकी पेंट से रिलेटेड कंपनियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ और बताता रहूँगा। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।